नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज में। और राजनीति की हम चर्चा करते हैं, लगातार गांव-गांव में भी जा रहे हैं, राजनेताओं से भी चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ माहौल है। तो ऐसे में एक शख्सियत है हमारे साथ, हरियाणा के पहले दड़बा हल्का होता था विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ पर विधायक रहे थे ठाकुर बहादुर सिंह। उनके सुपुत्र हैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह राठौड़, और वो फिलहाल इनका पद जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो किसान सेल के प्रदेश सचिव हैं, लगातार राजनीति में एक्टिव हैं। उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का माहौल मानते हैं, चर्चा किस तरह की है, और पीछे का जो उनके फादर साहब जो विधायक रहे थे क्या कुछ एरिया के अंदर विकास हुआ था, कब वो विधायक रहे थे, कितने चुनाव लड़े थे, तो वो तमाम जो है वो पुरानी चर्चा भी हम इनसे करेंगे। भूपेंद्र जी, नमस्कार सबसे पहले पूनिया जी, तो बहुत आपका बहुत यहाँ पधारने का थैंक यू जी, थैंक और यू। आपने जो मुझे इज्जत मान सम्मान दिया उसका मैं आभारी रहूँगा। भूपेंद्र सिंह जी, आपका जो एक शख्सियत है और जी आपके फादर साहब विधायक भी रह चुके हैं, जी जी राजनीति जो है लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, पारिवारिक राजनीति आपका सिस्टम है, अभी आज के दौर की जो राजनीति है उसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं, क्या सीन मानते हैं? राजनीति में आज के जो चल रही है, इस राजनीति में बीजेपी वालों ने सिवाय अपने स्वार्थ के कुछ भी नहीं दिया जनता को। जैसे कि हमारे सिरसा की बुरी हालत हो रही है, सड़कों की और मंडियों की और सभी जगह से बुरा हाल है। आज पीने का पानी भी दूषित आ रहा है शहर के अंदर, सभी लोग त्रस्त हैं इस वजह से, और बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार हैं लोग। अभी बात करें, क्योंकि टिकटों का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है, जी क्या मानते हैं आप किस तरह का सीन रहने वाला आगे, अब जो विशेष तौर पर सिरसा की अगर हम बात करें तो? जी अभी तो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान बहुत सोच विचार के टिकटें देगी, जीतने वाले कैंडिडेट को देगी, और सभी अपना मतलब उनका जो बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा पार्टी का, भाई जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, संघर्ष किया, और जो पीछे से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को अहमियत पहले दी जाएगी, बाकी लोग जो है बाद में देखा जाएगा, और पार्टी हाईकमान ही फैसला लेगी इस चीज़ का। चलिए बात करते हैं पुराने इतिहास के, जी आपके फादर साहब एमएलए रहे हैं, जी कौन सा दौर था, कब वो एमएलए रहे, क्या कुछ, क्योंकि वो दड़बा हल्का था, उसको जी एलनाबाद में मिला दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल। तो उस कब का टाइम था वो और क्या कुछ कार्य हुए थे? 82 से 87 तक मेरे पिताजी विधायक रहे वहाँ से, और उन्होंने उस हल्के का बहुत विकास करवाया। जैसे अनाज मंडी थी, आईटीआई कॉलेज था, सरकारी अस्पताल था और पशु चिकित्सा केंद्र था, तो ये सभी मेरे पिताजी की देन है दड़बा हल्का के अंदर। और उस टाइम समय बहुत अच्छा था, मुख्यमंत्री एमएलएज की ज़्यादा मानते थे आम आदमी से, और उनको अहमियत भी बहुत ज़्यादा देते थे। चौधरी भजनलाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी को उन्होंने एक मंत्री की तरह पावर दे रखी थी, हर जगह वो काम करवाने के लिए तैयार रहते थे, हर हलके में करते थे, कहीं से भी कोई आता था उनकी मतलब कदर करते थे मेरे पिताजी, और उन्होंने हमेशा ही हलके के बारे में सोचा, उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा ऐसा कि भाई उसको मतलब कोई नुकसान हो हलके में। हमें भी इतनी पावर नहीं थी कि बगैर पिताजी के फ़ोन के हम कोई फ़ोन कर सकते थे, उनसे पूछ के हम बात करते थे, किसी से ऑफिसर से भी बात करनी होती थी, और बहुत विकास उस टाइम हुआ था। और जैसे नाथूसरी चोपटा को आदर्श गांव बनवाया था मेरे पिताजी ने, और मतलब हल्के में 10 गांव थे जिनको आदर्श गांव का घोषणा करवाई थी, और उन गांवों में भरपूर काम हुआ, सड़कों का और खाड़ों का और ये जो वाटर वर्क्स का वगैरह सारे काम करवाए। भूपेंद्र सिंह जी, मैं यहाँ एंट्री हुई तो जी एक फोटो मैंने देखी जी जी इंदिरा गांधी के साथ जी ठाकुर बहादुर सिंह की, ये वो जी कब का सीन था, कब की फोटो, कहाँ की है वो? वो नाथूसरी चोपटा जब ये हल्का होता था, ये दड़बा हल्का होता था, उस टाइम
इंदिरा जी यहाँ आए थे जब मेरे पिताजी को टिकट दी गई थी, उस टाइम चौधरी दलवीर सिंह जी एमपी सिरसा थे, उन्होंने इंदिरा जी से लड़ाई कर करके बोल करके कि भाई ठाकुर बहादुर सिंह जी जो मेरे धर्म भाई बने हुए हैं उनको दड़बा हल्का से टिकट दी जाए और मैं उनको जिताऊंगा, अगर मैं नहीं जिता पाऊं तो आप मेरा इस्तीफा ले लेना। तो ये काम एमपी साहब ने उस टाइम किया था। पिताजी ने हमेशा, पिताजी दड़बा हल्के के बारे में सोचते थे, हर लोगों के बारे में सोचते थे, उन्होंने कभी अपने घर की तरफ नहीं देखा, हल्के के काम पहले किए थे। और जैसे लोग आजकल तो जमाना बदल गया है कि भाई लोग अपना घर पहले भरते हैं और काम बाद में करते हैं। नहीं, इसमें एक और भी बदलाव क्या मानते हैं कि आज के टाइम में जाति को जो है प्राथमिकता दी जाती है ज्यादा। जी हाँ, लेकिन उस टाइम क्योंकि जाट बाहुल्य एरिया, उसके बावजूद ठाकुर राजपूत जी है और उनको एमएलए बना दिया गया था। वही था कि लोगों में आपस में प्रेम था और जाति पाति का कोई नाम नहीं होता था उस समय। आज जाति को लेकर के लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन जाति को लेकर के चलने वाले लोग ये नहीं सोचते कि लोगों का काम वो कर नहीं पा रहे और जाति का नाम लेकर के वोट वो ले लेते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, लेकिन काम हल्के का नहीं कर पाते हैं वो। तो ये आज के युग के अंदर हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं एट प्रेजेंट की, तो किसको आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की, अगर बात करें जैसे अब गोकुल सेतिया है जी, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है जी, उनके अलावा पहले से ही काफी प्रत्याशी हैं, वो अपने आप को मान रहे हैं जी, टिकट की लाइन में है जी, कौन आपकी निगाह में जो टिकट निकाल सकता है, ऐसा कौन हो सकता है? पार्टी का सबसे पहला तो प्राथमिकता वो दे रहे हैं कि जो पार्टी से जुड़े हुए पहले लोग हैं उन्हीं को पहले वोट, मतलब टिकट दी जाए। तो उसके बाद सेकंड नंबर जैसे आता है भाई, जैसे जो नए पार्टी में मिले हैं लोग, जैसे गोकुल सेतिया पे ही आप लगा लीजिए, गोकुल सेतिया जी का ठीक है, लोगों में अच्छा रुझान है और लोग चाहते हैं कि वो उनको टिकट मिले और वो मतलब जीत भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे पार्टी के जो आदेश हैं वो यही है कि भाई जैसे पहले पुराने कांग्रेसी हैं और जो जीते हुए एमएलए हैं उनको ऑलरेडी पार्टी टिकट दे रही है, और जो नए समीकरण बन रहे हैं पार्टी के लिए, वो सिर्फ ये है कि पार्टी के जिताऊ जो लोग हैं उन्हीं को टिकट दी जाए जिससे कि माहौल अच्छा बने पार्टी के लिए। तो चलिए, ये राजनीतिक चर्चा हमने की है, क्या कुछ आपका कहना है कमेंट जरूर करना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 1982 से 87 तक ठाकुर बहादुर सिंह यहाँ दड़बा जो विधानसभा क्षेत्र था वहाँ के वो विधायक रह चुके हैं। पर एक बड़ी बात यह है कि जाट बाहुल्य एरिया है लेकिन उसमें जातिगत स्थिति से ऊपर उठकर लोगों ने उनको एमएलए बनाया था और उसके बाद विकास कार्य भी काफ़ी क्षेत्र के अंदर हुए थे। और आज की जो राजनीति है वो किस तरह से कि एक ही जाति के लोगों का जिस क्षेत्र में जो बाहुल्य है उसी को टिकट दी जाती है राजनेताओं की पार्टियों की तरफ से, और लोग जो है वो भी उसी तरह से देखते हैं। तो ये जो पूरा हमने भूपेंद्र सिंह राठौड़ से बातचीत की है, इनके बारे में हमने पूरा विस्तार से बताया है, खुद इन्होंने बताया है कि किस तरह से उनका राजनीतिक जो संघर्ष जीवन का रहा है, तो वो तमाम बातें इनसे हमने साझा की है। चुनाव का दौर है, ऐसे में हमने ये लगा हमें कि ये एक राजनीति का एक पार्ट है, तो ये एक पुराने इतिहास के संबंध में भी आपको अपडेट होनी चाहिए, तो उसको लेकर हमने ये आपके सामने इंटरव्यू इनका रखा है। इसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।